अभी हाल ही में हमारे नीति आयोग के द्वारा एक इंडेक्स या रिपोर्ट, जिसे आप लोग राज्य स्वास्थ्य सूचकांक कहते हैं, जारी किया गया है। और आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने अपनी परीक्षाओं के, यानी कि जिस भी परीक्षा की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखे होंगे, तो आप लोग भली भांति जानते भी होंगे कि इस तरह की जो भी रिपोर्टें जारी की जाती है, जो भी सूचकांक जारी किए जाते हैं, उनसे आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते रहते हैं और पूछे भी जाएंगे। फिर चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, या फिर आपके सेंट्रल, या आप देखते हैं स्टेट के जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, सभी में आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं। और इसमें याद रखिए, इस तरह के इंडेक्स या रिपोर्टों में आपको 2-4-10 पॉइंट याद रखना होता है। 2-4-10 कहने का मतलब है कि आप लोग सबसे पहले तो यही याद रखा करिएगा कि ये इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है, कौन सी संस्था तैयार करती है इसे। और उसमें दूसरी बात आप लोगों को ये ध्यान में रखनी होगी कि इस इंडेक्स यानी कि इस रिपोर्ट को तैयार करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखा गया है, किन किन बातों को शामिल किया गया है इसमें। फिर आप लोगों को ये याद रखना है कि पहली बार इस इंडेक्स को, इस रिपोर्ट को कब जारी किया गया था। और अगर भारत के संदर्भ में केवल बनाई जा रही, भारत के राज्यों के संदर्भ में बनाई जा रही है, तो भारत का सबसे टॉप पर कौन सा राज्य बना हुआ है, नीचे से कौन सा टॉप राज्य कर रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। अगर दुनिया में, अगर समझिए आप लोग, सभी देशों को लेकर कोई इंडेक्स या रिपोर्ट तैयार की जा रही है, तो उसमें आप लोगों को टॉप देशों को याद रखना होगा। 3 टॉप आप लोग देश याद रख लीजिए, नीचे से कौन सा देश टॉप कर रहा है उसे याद रखा करिएगा। भारत की स्थिति क्या है उस इंडेक्स में, और भारत के पड़ोसियों की स्थिति क्या है उस इंडेक्स में, उस पर भी आप लोग याद रखा करिएगा। तो इसमें आप लोग नीति आयोग की बात करें, तो आपको बता देता हूं कि ये नीति आयोग वही नीति आयोग है जो आप सभी जानते हैं कि योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके बनाया गया था। और ये बात है 1 जनवरी 2015 की, और इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। तो 2019-20 के लिए नीति आयोग ने राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया है। कौन सा नंबर का है? 4th नंबर का है। स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत शीर्षक वाली रिपोर्ट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य परिणामों में साल दर साल वृद्धिशील प्रदर्शन के साथ साथ उनकी समग्र स्थिति के आधार पर रैंक प्रदान करती है। और इससे पहले ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 को न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन्स हॉपकिंग्स सेंटर की साझेदारी में विकसित किया गया था, और भारत का स्कोर इसमें 42.8 था 100 में से। और वर्ष 2019 की तुलना में इसमें 0.8 अंकों की गिरावट हुई है, गिरावट देखी गई है। अगर हम लोग राज्य स्वास्थ्य सूचकांक की बात करें, तो इसमें अगर आप लोग देखें तो राज्य स्वास्थ्य सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक वार्षिक उपकरण है, जिसे 2017 में संकलित और विकसित किया गया था। तो पहली बार एक राज्य स्वास्थ्य सूचकांक पहली बार कब जारी किया गया था, कब बनाया गया था? 2017 में बनाया गया था। और यह स्वास्थ्य परिणामों, शासन और सूचना और प्रमुख इनपुट प्रक्रियाओं के डोमेन के तहत सामूहिकित 24 संकेतकों पर आधारित एक भारित समग्र सूचकांक है। और स्वास्थ्य परिणाम की बात करें तो इसमें नवजात मृत्यु दर, अंडर 5 मृत्यु दर यानी कि 5 साल के जो नीचे के बच्चे होते हैं उनकी बात हो रही है, जन्म के समय लिंगानुपात जैसे पैरामीटर शामिल होते हैं। और शासन और सूचना में बात करें तो इसमें स्वास्थ्य से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों की संस्थागत पेशा और औसत ऑक्यूपेंसी जैसे पैरामीटर शामिल होते हैं। और इसमें मुख्य इनपुट की बात करें तो आप देखेंगे इसमें स्वास्थ्य देखभाल में कमी का अनुपात, कार्यात्मक चिकित्सा सुविधाएं, जन्म और मृत्यु पंजीकरण और तपेदिक उपचार आदि को शामिल किया गया है। और हम अगर इसके विकास की बात करें तो इस रिपोर्ट को नीति आयोग द्वारा विश्व बैंक की तकनीकी सहायता और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के गहन परामर्श से विकसित किया गया है। तो इसमें अगर आप बात हुई है विश्व बैंक की, तो आप सभी जानते हैं कि जुलाई 1944 को विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी, और इसका मुख्यालय आपको वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिलेगा, यूनाइटेड स्टेट्स में। चौथे संस्करण के फोकस केंद्रीय बिंदु की बात करें तो रिपोर्ट का चौथा दौर वर्ष 2018-19 से वर्ष 2019-20 की अवधि में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के समग्र प्रदर्शन और वृद्धिशील सुधारों को मापने और उजागर करने पर केंद्रित है। और इसमें अगर हम लोग राज्यों की रैंकिंग की बात करें तो बड़े राज्यों के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें आंकड़े, तो स्वास्थ्य सूचकांक में 3 शीर्ष बड़े राज्य हैं। प्रथम स्थान पर आप देखेंगे केरल, इसका स्कोर 82.2 है।
द्वितीय स्थान पर आप देखेंगे तमिलनाडु, इसका स्कोर 72.42 है। द्वितीय स्थान पर आप देखेंगे तेलंगाना, इसका स्कोर 69.96 है। अब आप लोग कहेंगे कि राज्यों को भी बता दीजिए, केरल कहाँ है, तमिलनाडु कहाँ है, तेलंगाना कहाँ है। तो आप देखिए, केरल आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और इससे लगे हुए राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु है, और आप देखेंगे बेंगलोर आपको देखने, यानी कि कर्नाटक देखने को मिलेगा। और तमिलनाडु की बात करें तो आप सभी जानते हैं इसकी राजधानी चेन्नई है। और इसमें आप देखेंगे इससे लगे राज्यों की, केरल है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। और तेलंगाना की बात करें तो हैदराबाद इसकी राजधानी है, और इससे लगे हुए राज्य आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से अलग करके ही तेलंगाना बनाया गया था, कर्नाटक, महाराष्ट्र, और ये आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक है। ये आपके टॉप पर बने हुए हैं। और स्वास्थ्य सूचकांक में अंतिम तीन बड़े राज्यों की बात करें तो 19वां स्थान मिला है उत्तर प्रदेश को, इसका स्कोर है 30.57। और 18वां स्थान मिला है बिहार को, इसका स्कोर है 31। और 17वां स्थान मिला है मध्य प्रदेश को, इसका स्कोर है 36.72। तो नीचे से टॉप कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश। ऊपर से टॉप कौन कर रहा है? केरल। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश को भी देख लीजिए आप लोग। देखिए, उत्तर प्रदेश आप लोगों को ये देखने को मिलेगा और बिहार आपको ये देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी आप सभी जानते हैं लखनऊ है, और बिहार की राजधानी पटना है, और मध्य प्रदेश ये आपको देखने को मिलेगा भोपाल है, ठीक है। मध्य में होने के कारण इसे मध्य प्रदेश आप लोग कह देते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक सुधार करने वाले तीन बड़े राज्यों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश टॉप पर आपको देखने को मिलेगा, 5.57 अंकों का सुधार किया है इसने। और असम आपको 4.34 अंक का सुधार दूसरे नंबर पर है, तेलंगाना 4.22 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर है। और पिछले वर्ष की तुलना में नकारात्मक प्रदर्शन करने वाले बड़े राज्यों की बात करें तो कर्नाटक 1.37 अंकों की गिरावट के साथ 9वें स्थान पर है, हरियाणा आपको देखने को मिलेगा 0.55 अंकों की गिरावट के साथ 11वें स्थान पर है, राजस्थान 0.25 अंकों की गिरावट के साथ 16वें स्थान पर है, छत्तीसगढ़ 0.9 अंकों की गिरावट के साथ 10वें स्थान पर है, और हिमाचल प्रदेश आप देखेंगे 0.06 अंकों की गिरावट के साथ 7वें स्थान पर है। अब बात आती है सूचकांक में छोटे राज्यों से संबंधित कुछ आंकड़े हैं, तो स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष तीन छोटे राज्यों में प्रथम स्थान मिजोरम का है। मिजोरम आप लोग देख लीजिए एक बार, यह है मिजोरम, ठीक है। इसकी राजधानी आइजोल है, ठीक है। और इसकी लिए सीमा की बात करें तो आप देखें कि त्रिपुरा से लगती है, असम से लगती है, मणिपुर से लगती है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी बांग्लादेश से लगती है और म्यांमार से लगती है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर त्रिपुरा है और तीसरे स्थान पर सिक्किम है। तो मुझे लगता है कि छोटे राज्यों में अगर टॉप के टॉप पूछा जाए तो प्रथम स्थान पर मिजोरम है, और बड़े राज्यों में अगर टॉप पूछे तो केरल है, ठीक है। ये आप लोगों को जरूर याद रख। और छोटे राज्यों में अगर हम देखें कि अंतिम तीन छोटे राज्य कौन से हैं स्वास्थ्य सूचकांक में, तो नागालैंड आपका 8वें स्थान पर है, और बड़े राज्यों में सबसे नीचे कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, ठीक है। 7वां स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है और 6वें स्थान पर मणिपुर है, ये भी आप लोग याद रखिए। और पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक सुधार करने वाले तीन छोटे राज्यों की बात करें तो मिजोरम स्कोर 18.45 के साथ पहले नंबर पर, मेघालय स्कोर इसमें 17.7 के स्कोर से, नागालैंड स्कोर 3.43। यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक सुधार करने वाले तीन छोटे राज्य टॉप पर है मिजोरम, ठीक है। और पिछले वर्ष की तुलना में नकारात्मक प्रदर्शन करने वाले छोटे राज्यों में गोवा आपका 12.68 अंकों की गिरावट इसमें देखी गई, मणिपुर में 5.73 अंकों की गिरावट देखी गई है, अरुणाचल प्रदेश में 1.54 अंकों की गिरावट देखी गई है, और सिक्किम में 0.72 अंकों की गिरावट देखी गई है। अगर हम लोग केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सूचकांक में शीर्ष यानी कि टॉप तीन केंद्र शासित प्रदेश, प्रथम स्थान है दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप का, इसका स्कोर है 66.19, ठीक है। और द्वितीय स्थान पर चंडीगढ़ देखने को मिलेगा और तीसरे स्थान पर लक्षद्वीप देखने को मिलेगा। सूचकांक में अगर तीन अंतिम तीन केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो अंडमान 7वें नंबर पर है, अंडमान निकोबार, और 6वें स्थान पर जम्मू कश्मीर, और 5वें स्थान पर दिल्ली। तो इसमें एक बात तो आप लोगों को समझ में आई होगी, बड़े राज्यों में टॉप पर कौन सा है, कौन सा है बताइए? बड़े राज्यों में टॉप पर आपका केरल है, और छोटे राज्यों में टॉप पर आपका कौन सा है? मिजोरम है। और केंद्र शासित में टॉप पर दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप है, केंद्र शासित प्रदेश है। और पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक सुधार करने वाले तीन केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दिल्ली 9.68 अंकों का सुधार किया है इसने पहले नंबर पर है, जम्मू तथा कश्मीर में आप 9.95 अंकों का सुधार किया है दूसरे नंबर पर, लक्षद्वीप 7.72 अंकों का सुधार करके तीसरे स्थान पर,
और पिछले वर्ष की तुलना में नकारात्मक प्रदर्शन करने वाले केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो चंडीगढ़ ये 10.85 अंकों की गिरावट देखी गई है। दादरा नगर हवेली दमन तथा द्वीप ये 3.5 अंकों की 53 अंकों की गिरावट देखी गई है। तो इन्हें भी आप लोग याद रख सकते। तो इतना पढ़ लीजिए आप लोग इस सूचकांक में। मुझे लगता है अगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आराम से आप लोग उनके आंसर दे पाएंगे। ठीक है।